अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं सबसे पहले ये बता दूं, मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी मुझसे कांटेक्ट करना हो तो वो व्हाट्सएप पे कर सकता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यार कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, COVID-19 की वजह से जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़े बंद हुए हुए थे, जॉब वीज़े, तो उसकी अपडेट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली थी कि वो वीज़े जो है अब ओपन हो गए, अब कोई भी जो है यहाँ पे आके जॉब कर सकता है। तो मुझे इतना भर के रिस्पॉन्स मिला, इतने ईमेल्स आए, इतने मैसेजेस आए, सर वीज़े ओपन हो गए हैं, इनका प्रोसीजर क्या होगा, और जो है दुबई में आने के बाद मेडिकल होगा, और कॉस्टिंग वगैरह कितनी होगी, ड्यूरेशन कितना होगा। तो मैंने कहा यार इतनी कन्फ्यूजन लोगों के दिमागों में है, और जो है एजेंट तो हम जो है वहाँ एजेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, एक वीडियो बना देता हूँ डिटेल में, जिसमें मैं आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम तमाम प्रोसीजर बता दूंगा कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जॉब वीज़ा, वर्क वीज़ा जो दुबई का होता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, और इसमें एक्सपेंस कितना लगता है, ड्यूरेशन कितना लगता है, इंडिया से अप्लाई करेंगे तो कितना, यहाँ से होगा तो कितना, ये तमाम बातें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है, क्योंकि जिसके दिमाग में एक सवाल भी होगा वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। कभी भी कोई टेंशन नहीं रहेगी आपके दिमाग में कि यार हम एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं हमारा पैसा ना खा जाए, पता नहीं उस पर हमें ट्रस्ट नहीं है, तो हज़ार किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस किस्म की वीज़े से रिलेटेड और यूज्ड कार्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। अच्छा, तो मेरी जान सीन ये है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप इंडिया से, पाकिस्तान से, या दुनिया की किसी भी कंट्री से जो है ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपने अप्लाई किया किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसमें क्या सबसे पहले स्टेप क्या होगा, ट्रैवल एजेंट जो है ना वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी, UAE एम्बेसी से भी, तमाम जगह से अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो आपके लिए आपका वीज़ा जो है यहाँ पे जो है इमिग्रेशन में डालेगा। इमिग्रेशन में डालने के बाद तकरीबन ये समझ लें कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है ना आपका एंट्री परमिट निकलेगा, एक पेपर फॉर्म में वीज़ा निकलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंट्री परमिट। एंट्री परमिट क्या होता है, जैसे ही एम्प्लॉयर आपका वो एंट्री परमिट निकालता है तो बेहतर है कि आप फ़ौरन ट्रैवल करें। वैसे तकरीबन उसका महीना डेढ़ महीना का टाइम होता है कि उसके अंदर अंदर आप ट्रैवल करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि आपको पता है जॉब वीज़े की सेंसिटिविटी इतनी होती है कि जिस तरीके से जैसे निकला आप फ़ौरन ट्रैवल करें। एंट्री परमिट निकलने के बाद आप ट्रैवल करके दुबई में आ गए, ठीक है। जब आप दुबई में आते हैं तो अब यहाँ आने के बाद आपका प्रोसीजर शुरू होता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या शुरू होता है, आपने सबसे पहले यहाँ आने के बाद अपना मेडिकल करना है। अच्छा, मेडिकल क्या होता है, आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं या जो भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके जो है आप अपना मेडिकल कराएंगे। मेडिकल में मोस्टली क्या होता है, वो आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और एक्सरे करते हैं। ब्लड टेस्ट मतलब कोई खून में जरासीम वगैरह तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, तो वो वाला सीन होता है। तो वो अगर क्लियर निकलता है मामला और आपका एक्सरे करते हैं, वो फॉर्चुनेटली क्लियर निकलती है सारी चीज़ें, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी एमिरेट्स आईडी अप्लाई करने का। आप टाइपिंग सेंटर में जाते हैं, टाइपिंग सेंटर में जाके अपनी एमिरेट्स आईडी टाइप करवाते हैं। अच्छा, दुबई में जो वीज़ा है ना वो बेसिकली ये समझ लें उसके दो ड्यूरेशन होते हैं, एक या तो 2 साल का होगा, ठीक है, या 3 साल का होगा। 3 साल का किन का होगा, मोस्टली जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और फ्री जोन कंपनीज हैं उनके 3 साल के वीज़े होते हैं, और अगर प्राइवेट कोई कंपनी में है तो उनके जो है मोस्टली 2 साल के वीज़े होते हैं। इसका मतलब है 2 साल 3 साल बाद आपको वो रिन्यू करना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब अगर ट्रैवल एजेंट आपको इससे ज़्यादा की बात करता है, 4 साल 5 साल, तो वो फेंक के समझ जाना, झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो सीन ये है कि आप मेडिकल आपने करा लिया, अब मेडिकल के बाद आपने टाइपिंग कराई, 2 साल का है तो 2 साल का, 3 साल का है तो 3 साल की टाइपिंग आपने करा ली। 2 साल के चार्जेस जो होते हैं वो तकरीबन 250 दिरहम होते हैं, और 3 साल के जो चार्जेस होते हैं वो तकरीबन 350 दिरहम होते हैं। टाइपिंग करके वो हैंड टू हैंड एप्लीकेशन बना के उसी वक्त आपको दे देगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट मरहला आता है ना, एमिरेट्स आईडी मतलब क्या होती है, मैं थोड़ा सा ओवर व्यू बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हर कंट्री का उसके रेजिडेंट के लिए एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में जो है NIC होता है, इंडिया में आई गेस राशन कार्ड होता है, ठीक है, तो US में ग्रीन कार्ड होता है। तो इस तरीके से क्या होता है
ये यहाँ पे एक एमिरेट्स आईडी मिल जाती है, उसमें आपका नाम, आपकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मिलने के मतलब ये आपने अप्लाई कर दिया, अब ये तकरीबन आप समझ लें कि आपके एक महीना लग जाता है आपके पास आने में, क्योंकि उसमें पीओ बॉक्स नंबर डाला हुआ होता है कि आपने कहाँ मतलब ये डिलीवर करवानी, क्योंकि आपने जाके लेना होता है, वो आपको डिलीवर नहीं करते, आपने जाके लेना होता है खुद ही पोस्ट ऑफिस में, तो अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में आप डिलीवर करवा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वीज़ा स्टैम्पिंग का। आपने पासपोर्ट अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, आप दुबई में आ गए, जाहिर है, तो आप जो जिस एबीसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने पासपोर्ट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, ठीक है, और एम्प्लॉयर जो है वो आपके वीज़े मतलब जो स्टैम्प होती है आपके वीज़े के ऊपर, एक पेपर होता है बेसिकली, जैसे ये पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट पे यहाँ जो है ना समझ लें एक पेपर लगा होगा रेड कलर का, उसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी, वो बेसिकली स्टैम्पिंग होती है, ठीक है। वो स्टैम्पिंग जब आपकी वीज़े की हो जाएगी, आपका एम्प्लॉयर आपकी कंपनी वाला करेगा, तब आपका एमिरेट्स आईडी अप्रूव होगा, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पे आज मतलब आपने पासपोर्ट दिया, आपकी कंपनी ने जो है, वरना आपकी एमिरेट्स आईडी पेंडिंग में पड़ी रहेगी, ठीक है ना, पहले वीज़ा स्टैम्प होता है, बाद में एमिरेट्स आईडी अप्रूव होती है। तो पता ये चला कि जब वीज़ा जैसे ही इमिग्रेशन में स्टैम्प हुआ, पेपर पेस्ट हो गया आपके पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है, उस पर आपका डेजिग्नेशन वगैरह, आपकी तमाम डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होती हैं, उसके बाद एमिरेट्स आईडी अप्रूव होगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म आप भरते हैं ना एमिरेट्स आईडी का, उसमें तमाम डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस और तकरीबन सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ईजी प्रोसीजर है। अच्छा, वीज़ा कॉस्ट, वीज़े की जो स्टैम्पिंग के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर तकरीबन 535 दिरहम्स होते हैं, तो ये समझ लें इंडिया के तकरीबन 10 से 11 हज़ार रुपये, ठीक है, और पाकिस्तान के तकरीबन 25 हज़ार रुपये तक समझ लें, ठीक है। और इसके अलावा जो एमिरेट्स आईडी के चार्जेस है वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम जो है ना स्टैम्पिंग का हो, और मतलब ये जो सारी चीज़ें, ये आपका एम्प्लॉयर आपको करके देगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ये तमाम इसका प्रोसीजर होता है। और ये तमाम प्रोसीजर करते करते मतलब ये समझ लें एंट्री परमिट निकला आपका 10 से 15 दिन में, देखिए इसमें कभी देर भी हो सकती है, ऑब्वियसली एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा होती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर आपको जो है ना टाइम लग जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा होंगे, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वीज़ा से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से रिलेटेड, ठीक है। ये मैंने कन्वे करी आप लोगों को, बताया कि अगर आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो यार, तो अगर आप एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, ताकि आप ये इन्फॉर्मेशन आप एजेंट जो दे रहा है उससे मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार सही है मामला। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में अक्सर और बेशतर जो है ना कभी टाइम भी लग जाता है, लेकिन मोस्टली प्रोसीजर यही है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप यूएई के अंदर ही हों, विजिट वीज़ा के ऊपर हों, तो आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का क्या तरीकेकार होगा, ये तो वो है जब ट्रैवल एजेंट से आप आ रहे हैं। यूएई में अगर आप होंगे तो आपको इन एंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वीज़ा मतलब यूएई का एक कानून ये है कि अगर आप एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो आपने एग्जिट कंट्री लाजमी करना है, दुबई की से बाहर निकलना है, या फिर अगर आप एंट्री एग्जिट मतलब नहीं कर रहे हैं, तो आपने एडिशनल तकरीबन 2,000-2,500 दरम का खर्चा करके उसको पे करके आप यहीं पर ही स्टैंप लगवा लेते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर वो सेम ही है, स्टैंपिंग का भी और एमिरेट्स आईडी का भी और मेडिकल का भी, दूसरी कंपनी में भी जाएंगे तो यही होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग विजिट वीज़ा पे अगर यहाँ पे आते हैं और जॉब ढूंढते हैं, उनको जॉब लग जाती है, तो वो कंपनियों से पूछती है कि आपने इन एंड आउट करना है, जाके आना है, या फिर जो है यहीं पर ही हम करवा दें, या अगर नहीं भी पूछती है, आपको डर लगता है कि यार ये कंपनी जो है कहीं ऐसा ना हो जो है पीछे से हम जाएं और पीछे से पलट जाए, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि यहीं पर ही जो है ना मेरा वीज़ा स्टैंपिंग यहीं पर ही प्रोसीजर करवा दें, ठीक है, इन एंड आउट मुझे नहीं करना है और मैं यहीं के यहीं जो है ना अपना काम कर लेना चाहता हूँ। तो उससे सीन ये होगा कि आपकी कंपनी जो है ना मोस्टली जो है ना वो यहीं के यहीं सारे मामलात करवा लेगी, स्टैंपिंग भी, एमिरेट्स आईडी भी और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और आपका वीज़ा भी स्टैंप हो जाएगा, और आपको जिस कंट्री मतलब इन एंड आउट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई मेरी जान, ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी वीज़े से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट वीज़े से रिलेटेड, ये तमाम प्रोसीजर होता है भाई, मेडिकल भी होता है, हर हाल में हर चीज़ होती है, एमिरेट्स आईडी भी बनती है, वीज़ा स्टैंपिंग भी होता है, और डिपेंड करता है केस के ऊपर कि मतलब किसी का 10 से 15 दिन में भी हो जाता है, किसी का 2 महीने 3 महीने भी लग जाता है, डिपेंड करता है, ठीक है, ये सारे मामले आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी यार, ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, चैनल पे जरूर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, इस किस्म की अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय।